जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश के लोग परेशान हैं, पूरी सरकार परेशान है, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स परेशान हैं, पूरी दुनिया के अंदर एक वायरस ने हाहाकार मचा के रखा हुआ है। इसके बावजूद हमारे देश के बहुत सारे होशियार भाइयों एवं बहनों को ये बात समझ में नहीं आ रही। आज भी मैं देखता हूं जो अपनी बालकनी के बाहर खड़े होकर के, तो बहुत सारे लोग रोड में टू व्हीलर से कार से घूमते निकलते हैं। कोई बहुत अर्जेंट वर्क नहीं होता फिर भी निकलते हैं। बात समझ में नहीं आ रही, जिस दिन उनके परिवार में कोई घटना होगी, जिस दिन उनके अपने इस वायरस से फंसेंगे, उस दिन शायद उनको बात समझ में आएगी। पूरा देश रिक्वेस्ट कर रहा है फिर भी बात मानने को तैयार नहीं है। पूरे देश के अंदर, पूरे न्यूज के अंदर बात समझ में आ रही। अरे मैं तो कल न्यूज देख रहा था भाई साहब, हद तो तब हो जाती है कि पुलिस विभाग वालों को थैंक यू है कि वो लेकर के एक लिफलेट बनाकर एक खड़ा करके रख दिए कि मैं देश गद्दार हूं, मैं देश द्रोही हूं, और वो पकड़ के खड़े हैं, वो फोटो खिंचा रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है कि नहीं मैं घर से नहीं निकलूंगा। अरे एक दिन, दो दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, अगर एक महीने घर में रहने को मिल रहा रहिए ना, क्या दिक्कत है? प्लीज इस बात को समझिए। रिक्वेस्ट है मेरा, घर के बाहर मत निकलिए प्लीज, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। प्लीज, थैंक यू, बात को मानिए।